बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज का राशिफल, आज का यानी कि 4/8/2019 का दिन आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। आज की सबसे पहली राशि यानी कि मेष राशि। इस समय आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन सुधरेगा। यदि कहीं पैसा अटका हुआ है या फिर किसी को कर्ज देकर वापसी की उम्मीद छोड़ी है तो वह पुनः वापस मिल जाएगा। कार्यक्षमता का होने के बावजूद हो सकता है आप स्वयं को किसी कार्य को लेकर के असमर्थ महसूस करें। भाई बहनों से भी आपकी दूरियां और अधिक बढ़ सकती है। आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के भी इस समय चिंतित रह सकते हैं। भाग्यशाली रंग हरा, भाग्यशाली अंक 8। इसके बाद अब बात आती है वृषभ राशि की। आप न केवल पैसा कमाने में सफल रहते हैं बल्कि आपको अपने पैसों को सुरक्षित रखना भी बहुत अच्छी तरह से आता है। आप अपने व्यवसाय का विकास बहुत अच्छी तरह से करते हैं और किसी भी गलत निर्णय का असर उस पर में नहीं पड़ने देते। किसी खास दोस्त की लाइफ में अचानक आई परेशानी से आप चिंतित हो सकते हैं। अपने दोस्त की मदद कैसे करें इसके लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से परामर्श कर लें। व्यावसायिक जीवन में भी व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। काम वासना पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। समय का ध्यान नहीं रहेगा। बलपूर्वक कुछ भी नहीं करवा सकते परंतु प्रेम से कुछ भी करवा सकते हैं। भाग्यशाली रंग नीला, भाग्यशाली अंक 2। वृषभ के बाद अब बात आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। आज आप बहुत ही दयालु हैं और किसी ज़रूरतमंद की मदद करना चाहते हैं। आप पाएंगे कि अपने नकारात्मक विचारों को त्याग कर आप न केवल अपने रिश्तों को सुधार ला पाएंगे बल्कि खुद भी बहुत खुशी महसूस करेंगे। गलत तरीके से शॉर्टकट अपना कर धनवान बनने का प्रयास न करें। जो हाथ में है वह भी गंवाना पड़ सकता है। बढ़े हुए खर्चों से वंचित जीवन में सेंध लग सकती है। अज्ञात शत्रुओं से भय आपको सता सकता है। भाग्यशाली रंग जो है पीला, भाग्यशाली अंक 4। मिथुन के बाद अब बात आती है कर्क राशि की। पिछले समय में आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो इस समय उस इन्वेस्टमेंट से फायदा आपको मिल सकता है। यदि अभी तक आपके पास खुद की गाड़ी नहीं है तो इस साल इस काम को प्राथमिकता पर लेकर एक गाड़ी खरीदने का विचार भी आप मन में बना सकते हैं। इस समय आप अपने किसी निर्णय पर अफसोस भी जता सकते हैं। कोई बात आपको भीतर तक परेशान कर सकता है। आपसे ईर्ष्या रखने वालों पर नज़र बनाए रखें। कई मामलों में आपको लगता है कि जैसे किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। भाग्यशाली रंग गुलाबी, भाग्यशाली अंक 7। कर्क के बाद अब बात आती है सिंह राशि की। सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। जो लोग आपकी परेशानियों का कारण बने हुए थे आपको लगेगा जैसे वे एकदम से गायब ही कहीं हो गए। शत्रु बाधा दूर होने के योग भी बन रहे हैं। इस समय आपको अपनी लाइफ के हर क्षेत्र में तरक्की मिल सकती है। बच्चों से संबंधित चिंताएं बढ़ सकती है। बच्चों के पालन पोषण, उनकी सेहत या शिक्षा को लेकर के भी आप चिंतित हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय तनावपूर्ण रह सकता है। पढ़ाई का प्रेशर रह सकता है। परीक्षा में सफलता की चिंता भी आपको रह सकती है। आप अपने साथी का कठोर आलोचक भी बन सकते हैं। भाग्यशाली रंग सफेद, भाग्यशाली अंक 2। सिंह के बाद अब बात आती है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। आपके लिए लाभ प्राप्ति के नए रास्ते खुल सकते हैं। लंबे समय से पेंडिंग कोई फायदा आपको इस समय मिल सकता है। इस समय आप बेहिचक यात्राएं पर जा सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो राजनीति से जुड़े जातकों के लिए यह समय लाभकारी रह सकता है। आमदनी बढ़ती है तो खर्च भी उसके अनुसार बढ़ने लगते हैं। उसके साथ ही इस समय ऐसा होगा। आपके साथ भी इस समय ऐसा ही होगा। हमारी सलाह है कि अनावश्यक खर्चों को जितना बचा सकते हैं बचा लें। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। भाग्यशाली अंग रंग नीला, भाग्यशाली अंक 8। कन्या के बाद अब बात आती है तुला राशि की। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय लाभकारी रह सकता है। संतान संबंधी शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। पदोन्नति की उम्मीद इस समय कर सकते हैं। सूझबूझ से निर्णय लेकर जोखिम वाले क्षेत्रों, स्टॉक मार्केट आदि में निवेश कर सकते हैं। कार्योन्नति की उम्मीद रखने वाले जातकों को निराशा हाथ लग सकती है। इस समय हो सकता है आपकी लाइफ लग्जरी ना रहे, खर्च बढ़ सकता है। शत्रु भी आपके रास्ते में बाधा बनकर खड़ा हो सकता है।
भाग्यशाली रंग लाल, भाग्यशाली अंक 9। तुला के बाद अब बात आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? पुनः जीवन पटरी पर लौट सकता है, लेकिन पूरी तरह से आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा। थोड़े दिन बाद काम का बोझ कम होगा, धन निवेश से भी आपको लाभ मिल सकता है। आपके लिए मानसिक चिंताएं बढ़ सकती है। एक बार फिर प्रतिस्पर्धियों से आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर भी कुछ सहकर्मी आपके सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। माता से भी अनुकूल सहयोग मिल सकता है। रोमांटिक लाइफ में भी पार्टनर के साथ आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। आपके बिजनेस व्यवसाय में आपको धोखा मिल सकता है। हर बात दिल पर लेने की आपकी आदत में इस समय थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता पड़ेगी। भाग्यशाली रंग सफ़ेद, भाग्यशाली अंक 5। वृश्चिक के बाद अब बात आती है धनुराशि की। धनुराशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? आज आप अपना मन ध्यान और योग में केंद्रित करेंगे ताकि आप बढ़ते वजन पर रोक लगा सकते हैं। आज आपका चेहरा चमकता रहेगा और आपके चेहरे पर हाल ही में जो दाग धब्बे उभर आए थे वो भी आज खत्म हो जाएंगे। आपकी वर्किंग लाइफ टेंशन में आ सकती है। आप पर काम का लोड बढ़ सकता है, कुछ काम पेंडिंग रह सकता है। निगेटिव फेज को धैर्य के साथ अपने विवेक से काम लेते हुए निकाल लेंगे तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आप व्यवहारिक बनकर अपने प्रिय पुत्र का, प्रिय पात्र का प्रिय हो सकते हैं। आपका बहुत प्रेम बहुत तीव्रता से आगे बढ़ेगा। आसान तरीके से पैसा कमाना बेहतर नहीं होगा, कानूनी खर्चे हो सकते हैं। नकारात्मक परिणाम से बचने के लिए पूर्वजों की संपत्ति से संबंधित कई मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है। भाग्यशाली रंग है आसमानी, भाग्यशाली अंक है 3। धनु के बाद अब बात आती है मकर राशि की। मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? आज आपका प्रदर्शन अतुलनीय हो सकता है। कोई भी काम कर सकते हैं जो कि आपको अच्छा लगे और जिसमें रुचि हो। नौकरी पेशा है तो दुखी लोगों के सहानुभूति रखें। अपने स्वयं के दिमाग से काम करने की क्षमता बढ़ाएं, इससे आप टीम लीडर बन सकते हैं। आज आपका मन चंचल होगा। यदि किसी काम में अधिक समय लग रहा है तो उसे छोड़ दूसरे काम में लग जाएं, ऐसे में लाभ मिलते मिलते रह जाएगा। अपने प्रेमी या जीवन साथी के प्रति ये बहुत ईमानदार रहेंगे और साथी से भी स्थायित्व की उम्मीद लगाकर रखना चाहिए। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा। कुशल व्यवहार कार्यालय में लोकप्रिय बनेगा। अपने कार्यभार को बाप बखूबी निभाएंगे। भाग्यशाली रंग जो है केसरी, भाग्यशाली अंक 2। मकर के बाद अब बात आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों का आज का दिन, आप न केवल पैसा कमाने में सफल रहेंगे बल्कि आपको अपने पैसों को सुरक्षित रखना भी बहुत अच्छी तरह आता है। आप अपने व्यवसाय का विकास बहुत अच्छी तरह से करेंगे और अपने किसी भी गलत निर्णय का असर उस पर नहीं पड़ने देंगे। आप आमतौर पर गुस्सैल नहीं होते, लेकिन सबके सब्र का बांध टूट सकता है। आप किसी बात पर अड़ जाएंगे और विचार बदलना मुश्किल हो सकता है, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन, लेकिन फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जल्दीबाजी में अपने पैसे को बेकार में निवेश न करें। उचित सलाह और मार्गदर्शन लेने के बाद निवेश करने का लाभ मिलेगा। भाग्यशाली रंग लाल, भाग्यशाली अंक 4। कुंभ के बाद अब बात आती है आज की अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। अपने आप अच्छे फाइनेंसर तथा बैंकर हो सकते हैं और आपका रुझान कला की ओर हो सकता है। जो आप संगीत के क्षेत्र में जाना पसंद कर सकते हैं और इस क्षेत्र में भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जमीन तथा पर्यावरण संबंधित कामों में भी आपका प्रदर्शन अच्छा रह सकता है। आपके व्यवसाय में कोई सरकारी हस्तक्षेप हो सकता है। अभी वित्तीय लेन देन न करना बेहतर रहेगा। आपको अपने खर्चों को नियंत्रण में रखने की बहुत ज़रूरत है। भाग्यशाली रंग पीला, भाग्यशाली अंक 9। दोस्तों, यही थी आज की राशिफल, जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की आज का दिन आपका कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए बेनिफिशियल साबित अवश्य हुई होगी। अगर वाकई कुछ ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का जो यूजर आईडी है वो आपके स्क्रीन पर मैं आपको दिख रहा होगा, RAJAMISHRA866।
डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, जिस पे क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पर में फॉलो भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का भी लिंक दिया गया है, जिस पर मैं क्लिक करके आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार अगर जानना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें संपर्क समय है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। संपर्क सूत्र है आपके पास व्हाट्सएप नंबर 7062757996। इंजीनियर पंडित राजा मिश्रा के द्वारा अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो फी स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पर मैं आपको दिखाई दे रही होगी। हैंड टू हैंड जानकारी RS 1100 ओनली, यानी हाथों हाथ जानकारी प्राप्त करें मात्र 1100 रुपये जमा करें और आधे से 1 घंटे के अंदर में आप जानकारी प्राप्त करें। दूसरा जो लिखा गया है आपको बताया जा रहा है ओनली जन्म कुंडली या हस्तरेखा, दोनों में से कोई एक, यानी कि केवल जन्म कुंडली या केवल हस्तरेखा, दोनों में से अगर कोई एक दिखाना चाहते हो तो उसका जो नॉर्मल चार्ज है वो मात्र 300 रुपये है, जिसमें लिखा गया है गेट इन्फॉर्मेशन इन 7 डेज, यानी कि नॉर्मल चार्ज 300 रुपये में आपको 7 दिन के अंदर में जानकारी मिलेगी, 7 दिन में बताई जाएगी आपका क्या कैसे रहने वाला है। करंट चार्ज जो है इसका वो 500 रुपये है, जिसमें लिखा गया है गेट इन्फॉर्मेशन इन 24 आवर, यानी कि केवल जन्म कुंडली या हस्तरेखा का जो करंट चार्ज है वो मात्र 500 रुपये है, जिसमें आपको 24 घंटे के अंदर में जानकारी मिल जाएगी। तीसरा जो लिखा गया है वह जन्म कुंडली एंड हस्तरेखा बोथ, यानी कि जन्म कुंडली और हस्तरेखा दोनों, नॉर्मल चार्ज RS 500 ओनली गेट इन्फॉर्मेशन इन 7 डेज, करंट चार्ज RS 700 ओनली गेट इन्फॉर्मेशन इन 24 आवर, यानी कि नॉर्मल चार्ज इसका 500 रुपये है, जिसमें आपको 7 दिन में जानकारी मिलेगी अगर जन्म कुंडली और हस्तरेखा दोनों दिखाते हो। करंट चार्ज इसका 700 रुपये है, जिसमें आपको 24 घंटे में जानकारी मिलेगी। जन्म कुंडली अगर मैचिंग करवाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो शादी करना कोई किसी लड़के या किसी लड़की से, और उस लड़के और लड़की की अगर आपके पास जन्म कुंडली है या जन्म कुंडली नहीं भी है, तो जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान भी अगर है तो भी आप जन्म कुंडली मैच करवा करके ये जान सकते हो कि आप दोनों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आने वाला समय कैसा रहेगा। अगर आप दोनों का विवाह हो जाता है तो आप दोनों एक सुखद जिंदगी जी पाओगे या नहीं, क्या आप दोनों का विवाह हो भी सकता है या नहीं, इन सभी बातों को आप जान पाओगे। जन्म कुंडली अगर आपको रिटर्न में चाहिए, पेपर पर में लिखा हुआ चाहिए अच्छे से, तो उसका चार्ज है मात्र और मात्र 3500 रुपये ओनली, 3500 ओनली, जिसमें आपको पेपर पर में लिखा हुआ खूब सुंदर अक्षर में सजा हुआ आपको लिख करके मिल जाएगा। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हो तो उसका चार्ज है 5100 रुपये ओनली, केवल 5100 रुपये आप जमा करोगे और आपका हमारे साथ पर्सनल मीटिंग हमारे ऑफिस पर में हो जाएगा। शनिदेव और हनुमान जी दोनों की कृपा आप पर सदा बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो चलिए शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ आज क्या कैसे है।